आज हम हिंदी विषय में प्रयोजन मूलक हिंदी व्यवहार क्षेत्र ये जो दूसरा पाठ है उसकी स्वाध्याय कृति देखेंगे। प्रयोजन मूलक हिंदी की प्रकृतियों को या विभिन्न भाषा रूपों को स्पष्ट करते हुए जन संचार माध्यमों के लिए बारे में जानकारी दीजिए। अभी प्रयोजन मूलक जो हिंदी है वो हिंदी के विविध रूप कहलाए जाते हैं। प्रयोग क्षेत्र के अनुकूल शब्दावली, पदबंध, वाक्यांश और वाक्यों का संयोजन यह प्रयुक्ति करती है। हर प्रयुक्ति का आधार उसका प्रयोजन क्षेत्र तथा उस पर आधारित शैली और अभिव्यक्ति होती है। लिखित और मौखिक यह भाषा के दो अभिव्यक्ति रूप होते हैं। दोनों का प्रयोग प्रयोग क्षेत्र की आवश्यकता के अनुसार होता है। विभिन्न विद्वानों द्वारा प्रयोजन मूलक हिंदी की प्रवृत्तियाँ या प्रयुक्तियों और भाषा रूपों का विभिन्न वर्गों में विभाजन किया जाता है। डॉक्टर सुरेश कुमार प्रयोजन मूलक हिंदी के 6 वर्ग अपने बताए हैं। आधारभूत हिंदी, कार्यालयीन हिंदी, तकनीकी हिंदी, वाणिज्यिक हिंदी, क्लासिक या शास्त्रीय हिंदी, साहित्यिक हिंदी। डॉक्टर आर एन श्रीवास्तव प्रयोजन मूलक हिंदी के बारे में 6 वर्ग उन्होंने बताए हैं। बेसिक या मूलभूत हिंदी, कार्यालयीन हिंदी, सामाजिक व्यवहार की हिंदी, वाणिज्यिक हिंदी, तकनीकी हिंदी और साहित्यिक हिंदी। आगे हिंदी की हर एक के अलग अलग प्रयोजन मूलक हिंदी के अलग अलग 7 मुख्य रूप होते हैं। भोलानाथ तिवारी जी ने कहा है कि बोलचाल की हिंदी, व्यापारी हिंदी, कार्यालयीन हिंदी, शास्त्रीय हिंदी, तकनीकी हिंदी और साहित्यिक हिंदी और सामाजिक या समाजी हिंदी, इस तरह के 7 उन्होंने मुख्य 7 रूप बताए हैं। इस प्रमुख रूपों के कई रूप उपरूप भी डॉक्टर तिवारी ने प्रस्तुत किया है। जैसे सराफों की भाषा, सट्टा बाजार की भाषा, व्यापारी हिंदी में मंडियों की भाषा आदि। शास्त्रीय हिंदी में संगीत शास्त्र, काव्य शास्त्र, भाषा शास्त्र, दर्शन शास्त्र, योग शास्त्र, राजनीति शास्त्र तथा तकनीकी हिंदी में इंजीनियरिंग, बढ़ईगिरी, लुहारी, प्रेस फैक्ट्री आदि। साहित्य हिंदी की हर विधा में प्रयुक्त भाषा को एक पृथक उपभेद माना गया है। श्री गोवर्धन ठाकुर प्रयोजन मूलक हिंदी को अपने 7 वर्गों में प्रयुक्त किया है। एक है कार्यालयीन हिंदी, दूसरी सूचना परक या प्रचारात्मक हिंदी, 3 औद्योगिक हिंदी, 4 शास्त्रीय हिंदी, 5 वैज्ञानिक हिंदी और 6 तकनीकी हिंदी, योग परक या आध्यात्मिक हिंदी। योग परक या आध्यात्मिक हिंदी वर्ग में पतंजलि के योगशाला में लेकर वेद, उपनिषद, ब्राह्मण, पुराण आदि ग्रंथों से संबंधित और आध्यात्मिक साहित्य की भाषा को श्री ठाकुर ने शामिल किया है। हिंदी में तत्सम और तद्भव रूप में प्रयुक्त होने वाली परिभाषिक शब्दावली प्रयुक्त होती है। साहित्य तथा व्यवहार में हिंदी में प्राणायाम, योगासनों, इंद्रिय निग्रह और आध्यात्मिक चिंतन पर प्रयुक्त शब्दावलियाँ इसी कोटि में आती हैं। ऐसे पृथक वर्ग की आवश्यकता ही नहीं होती। शास्त्रीय हिंदी में यह सभी आ जाता है। आगे दिया है डॉक्टर दिलीप सिंह जी ने, अपने प्रयोजन मूलक हिंदी में मुख्यतः 5 वर्ग माने गए हैं। वैज्ञानिक और तकनीकी हिंदी, विधि की हिंदी, प्रशासनिक कार्यालय हिंदी, जनसंचार माध्यमों की हिंदी, वाणिज्य और व्यावसायिक हिंदी। विद्वानों ने इससे साहित्यिक भाषा और सामान्य व्यवहार की भाषा को प्रयोजन मूलक हिंदी में शामिल किया है। प्रयोजन मूलक हिंदी का स्वरूप निर्धारण ही मूलतः इन दोनों भाषा वर्ग से पृथक है। अंततः प्रयोजन मूलक हिंदी के उपर्युक्त 5 ही प्रमुख प्रकार है। एक, जनसंचार माध्यमों की हिंदी। वर्तमान स्थिति में जनसंचार माध्यम समाज तथा पहुंचने का सबसे प्रभावी साधन है, जो समाज की शैक्षणिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक धरोहर को वृद्धिंगत करने तक व्यक्ति को जानने तथा अभिव्यक्त के मूलभूत अधिकार को अक्षुण्ण रखने की व्यक्ति दशा या दिशा में अपना योगदान देते हैं। जनसंचार माध्यमों को अंतर्गत समाचार पत्र,
पत्रिकाएं, रेडियो, पुस्तकें, दूरदर्शन, वीडियो और इंटरनेट आदि का समावेश होता है। भारत में इनमें से अधिकांश संचार माध्यमों का कार्य हिंदी भाषा में ही सबसे अधिक चलता है। इसी कारण हिंदी भाषा जानने वाले विशेषज्ञों की आवश्यकता इस माध्यम में होती है। स्क्रिप्ट लिखने से लेकर प्रस्तुति तक अनेक स्तर पर हिंदी का प्रयोग होता है। समाचार लेखन, समाचार प्रस्तुति, धारावाहिक लेखन, पटकथा लेखन, विज्ञापन, अभिनय, निर्देशक, फीचर लेखन, सूत्र संचालन आदि विभिन्न स्तरों पर हिंदी का प्रयोग किया जाता है। और आगे जो प्रश्न दिया है, जनसंचार माध्यमों में हिंदी की विशेषताएं क्या है? सहजता और संप्रेषणशीलता। समाज के प्रत्येक वर्ग तक संप्रेषण संचार माध्यमों का उद्देश्य होता है। सूचना को जनसामान्य तक पहुंचाना इनका प्रमुख प्रयोजन होता है। इसी कारण सहज और संप्रेषणशील भाषा का प्रयोग माध्यमों की आवश्यकता है। सभी माध्यमों से सामान्य शब्दावली के साथ विशेष अर्थात प्रयुक्त विशेष की शब्दावली का भी प्रयोग करना पड़ता है। यहाँ भी प्रेक्षणीयता पर ध्यान देना आवश्यक होता है। दूसरा है प्रभावशालीता। जनसंचार माध्यमों की प्रयोजन सिद्धि उसकी भाषा की प्रभावशाली पर आधारित होती है। समाचार पत्र के धरातल पर भाषाई प्रभावशालीता उसकी लेखन शैली पर आधारित होती है। वैसे ही दूरदर्शन और आकाशवाणी भी की भाषा प्रभावशालीता उसके उच्चारण और शब्द संभाषण शैली पर निर्धारित होती है। लेखन के साथ प्रस्तुति भी जुड़ी होती है। दूरदर्शन यह दृक श्राव्य माध्यम है। यहाँ केवल भाषा से अर्ध संचार अर्थ संचार नहीं होता, बल्कि श्रोता दर्शक होने के कारण वह बोलने वाले के हावभाव भी देखता है। श्रोता के साथ यह अनौपचारिक संवेदनशील के में प्रस्तुति किए गए समाचार अधिक प्रभावशाली होते हैं। वाचिक रूप में बल, आघात, अनुतान, अप और विराम भी यह अर्धवाहक होती है। माध्यमानुकूलन भाषा संचार। आकाशवाणी, दूरदर्शन पर मौखिक या उच्चारित भाषा का प्रयोग होता है और समाचार पत्रों में लिखित भाषा का प्रयोग होता है। वाक्य रचना की दृष्टि से लिखित और मौखिक भाषा में अंतर आ जाता है। लिखित भाषा में पाठक वाक्य को कई बार पढ़कर अर्थ ग्रहण कर सकता है, परंतु मौखिक भाषा की वाक्य रचना में यह ध्यान देना पड़ता है कि श्रोता एक ही बार सुनकर बात को समझ पाए। उच्चार, वाक और प्रोक्ति के प्रति अत्यधिक ध्यान देना पड़ता है। अभी इसमें दिया है दूसरा, प्रयोजनमूलक हिंदी के विविध कार्यक्षेत्र स्पष्ट कीजिए। अभी वर्तमान युग में हिंदी भाषा ने जीवन के सभी क्षेत्रों को अपने ही समीक्षा किए कर लग रखा है, वो सब अपने समाहित है। प्रशासन, वाणिज्य, सूचना विज्ञान एवं प्रौद्योगिक, विविध चिकित्सा शिक्षा के, कृषि सेना, जनसंचार, विज्ञापन, वित्त आदि विभिन्न क्षेत्र प्रयोजनमूलक हिंदी के क्षेत्र कहते हैं। क दिया है वाणिज्य और व्यापार। वाणिज्य व्यापार के क्षेत्र में अंतर्गत व्यापार, वाणिज्य, व्यवसाय, परिवहन, शेयर, बाजार, बीमा, बैंकिंग तथा आयात निर्यात आदि विभिन्न क्षेत्रों का समावेश होता है। स्वतंत्रता के बाद इसी सभी क्षेत्रों का कार्य क्षेत्र विस्तृत हो जाता है और ग्राहकों के साथ संपर्क आदि घनिष्ठ हो जाता है। अंततः इन क्षेत्रों में भी प्रयोजन मूलक हिंदी का प्रयोग बढ़ रहा है। अंततः सभी क्षेत्रों में हिंदी का जो है एक चलन भाषा कह जाती है, ज्यादा इसका ही उपयोग होता है। इस सभी क्षेत्रों की अपनी विशिष्ट शब्दावली एवं वाक्य संरचना होती है। यह शब्दावली एवं वाक्य रचना साहित्यिक हिंदी की अपेक्षा काफी भिन्न होती है। विज्ञान, सूचना एवं प्रौद्योगिक। विज्ञान, सूचना और प्रौद्योगिक के क्षेत्र में हिंदी के प्रयोग के बढ़ावा देने की दृष्टि से राष्ट्रपति जी ने आदेश से सन 1961 में क्षेत्र शिक्षा मंत्रालय के अधीन वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना की गई। इस आयोग ने विज्ञान, सूचना और प्रौद्योगिक के क्षेत्र में
प्रयुक्त होने वाली भाषावली के निर्माण का दायित्व संभालते हुए कुछ ही वर्षों में यह प्रमाणित कर दिया है कि हिंदी भाषा न केवल साहित्य और प्रशासन की भाषा है, अपितु वैज्ञानिक एवं तकनीकी विषय वस्तु को सुगठित रूप में प्रयुक्त करने का सशक्त साधन भी है। हिंदी भाषा में आज विज्ञान, कंप्यूटर, गणित, विधि, अंतरिक्ष, दूर संरचना या दूर संचार, प्रौद्योगिक से संबंधित अनेक ग्रंथों का निर्माण हो चुका है और उसमें ही है विधि। यद्यपि भारतीय संविधान मूल रूप में अंग्रेजी में लिखा गया है, तथापि राष्ट्रभाषा में अनुवाद से जरिए जन सामान्य तक पहुंचा भी सकता है अपना लक्ष्य है। विविधता में विधि एवं कानून संबंधी बातों को हिंदी में लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। इस दृष्टि से हजारों पृष्ठों का अनुवाद हो सकता है और ऐसे हो चुका है। विविध संबंधी भाषा में मुख्यतः तकनीकी शब्दावली, विशिष्ट पदविन्यास, लंबी और संयुक्त वाक्य रचना, कानूनी प्रक्रिया की अन्वित आदि मुख्य बातें पाई जाती है। इससे यह भाषा सामान्य पाठकों के लिए नीरस और उबाऊ प्रतीत होती है, क्योंकि उसका मूल जो रूप है वो अंग्रेजी में है और फिर वो उस तरह होती है। फिर भी इस क्षेत्र में हिंदी भाषा अपने बलबूते पर खड़ी होती है और दिन प्रतिदिन इस क्षेत्र में हिंदी का प्रयोग बढ़ता हुआ दृष्टिगोचर होता है। इसमें प्रशासन है, जनसंचार माध्यम है, विज्ञान उद्योग है और बहुत सारे उसमें आते हैं। फिर बोली के विकासों के कारणों को स्पष्ट करते हुए बोली और भाषा में अंतर हम देखेंगे। किसी बोली का उस भाषा की अन्य बोलियों पर महत्वपूर्ण हो जाना, किसी बोली का उस भाषा की अन्य बोलियों से महत्वपूर्ण हो जाने से बोली भाषा बन जाती है। इस महत्व के पीछे प्राय धार्मिक या राजनीतिक कार्य काम करते हैं। मध्य युग के माध्यम से कारण कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा से बोली से ब्रज ने प्राय भाषा का पद प्राप्त किया है। अवधि के पीछे भी धार्मिक कारण राम की जन्मभूमि अयोध्या भी भाषा। इधर दिल्ली के आसपास की बोली खड़ी बोली राजनीतिक कारण से भाषा बन गई। अन्य बोलियों का लुप्त हो जाना, एक भाषा की यदि सभी बोलियां लुप्त हो जाए और केवल एक ही बच रहे तो वह भाषा का प्रतिनिधित्व करने लगती है, अंततः वह भाषा बन जाती है। उसमें ग है, अन्य बोलियों का दूर हट जाना। यदि कोई बोली भाषा की अन्य बोलियों से दूर हट जाकर विकसित हो जाए तो उसे भी प्राय भाषा कहने लगते हैं। द्रविड़ परिवार की ब्राहुई इसी रूप में भाषा कही जाती है। अभी इसका क्षेत्र पाकिस्तान में है। बोलियों का ध्वनि तथा व्याकरणिक आदि की दृष्टि से विकसित होते हुए एक दूसरे से भिन्न हो जाना। जब एक ही भाषा की बोलियां विकसित होते होते इतनी बदल जाती है कि एक का बोलने वाला दूसरे को समझ ही न सके तो उन्हें स्वतंत्र रूप से भाषाएं स्वीकार करते लगते हैं। मूलतः पंजाबी, हिंदी ये सब अलग अलग भाषाएं हैं। बंगाली, मराठी आदि प्रकार की भाषाएं होती हैं। उसमें उन्होंने बहुत सारी भाषाओं का समावेश किया है। उसमें भोजपुरी, ब्रज भाषा, खड़ी बोली भाषा, ऐसे बहुत सारी भाषा का समावेश है। और मारवाड़ी भाषा, दक्षिणी भाषा और बहुत सारे भाषाओं का उसमें समावेश किया गया है। अभी बोली की परिभाषा बताते हुए उसके विविध रूप पर प्रकाश डालिए। भाषा जब किसी सीमित क्षेत्र में केवल घरेलू रूप में प्रचलित हो रही हो तो उसे बोली कहलाती है। उसमें कोई विशिष्ट साहित्य नहीं होता, वह बोलने वालों की केवल साधारणता बातचीत तक ही सीमित रहती है। प्राचीन भारत में बोली के लिए विभाषा शब्द का प्रयोग मिलता है। आधुनिक हिंदी में हिंदी बोलियों के लिए विद्वानों ने विभाषा और उपभाषा शब्दों का प्रयोग किया है, पर उन्हें कभी कभी उसकी बोली से भिन्न माना जाता है।
जबकि ये सभी बोली ही पर्यायी शब्द है। बोली को स्थानीय भाषा भी कहते हैं। भोलानाथ तिवारी के अनुसार बोली किसी भाषा के एक ऐसे सीमित क्षेत्र के रूपों को कहते हैं जो ध्वनि रूप, वाक्य गठन, शब्द अर्थ समूह तथा मुहावरे आदि की दृष्टि से उस भाषा के परिनिष्ठित तथा अन्य क्षेत्रीय रूपों से भिन्न होता है, किंतु इतना भिन्न नहीं कि अन्य रूपों में बोलने वाले उसे समझ न सके। इतना वो भिन्न नहीं होता है। तो उसमें व्यक्ति बोली है, स्थानिक बोली है, उपबोली है, बोली है, इस तरह भाषा के अलग अलग रूप होते हैं। हमने प्रयोजन मूलक भाषा में हिंदी के जो क्षेत्र है उनकी जानकारी हमने थोड़े ही इसमें ली है। उसके जो प्रश्न उत्तर है वो हमने समझे। आप भी ये पूरा पाठ अच्छे से पढ़िए, समझिए, और इसके जो प्रश्न उत्तर है जो हमको स्वाध्याय दिया है वो आप अच्छे तरह से अपने नोटबुक में लिखिए। धन्यवाद।